हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति के बारे में आज हम बताएंगे। यह जो है इस चैप्टर से यानी हर साल या हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है यानी इस चैप्टर से 20 या 22 नंबर का जो है पूछे जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं ये क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा हाई है, यानी यह जो है यह सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन जो है यानी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या ये जो है 8 है, ये पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि 1/sec θ - tan θ इक्वल sec θ + tan θ। हमने पहले बताया है कि इसमें दो पक्ष है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो इसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप किस पक्ष को यानी आप किस पक्ष को लेते हैं या उसको पुट करते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं या राइट हैंड साइड को लेते हैं, ताकि आप जो है आपको जो आसान लगे उस पक्ष को लेकर आप बना सकते हैं। या तो चलते हैं ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, या आप राइट हैंड साइड से बना सकते हैं या आप लेफ्ट हैंड साइड से बना सकते हैं। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपको यानी ये जो है किस माध्यम से बनाएंगे ताकि ये जो है सबसे पहले हमको आसान लगेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम ये जो है 1/sec θ - tan θ को अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ आपका sec θ + tan θ आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं क्योंकि ये इससे सॉल्यूशन करने में आसान होगा, यानी LHS इसको हम लिखते हैं 1/sec θ - tan θ इंटू, अब ये हो जाएगा आपका परिमेय करते हैं। तो परिमेय करने का भी नियम है, जो बीच वाला जो साइन जो होता है ये बीच वाला में वहां पर माइनस अगर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका sec θ + ये हो जाएगा tan θ / ये हो जाएगा sec θ + tan θ। यानी अंश और हर में दोनों जो होगा आपका प्लस में ही होगा। तो चलते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में sec θ + tan θ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा यानी sec θ + tan θ होगा। और यहां देखते हैं इसको यानी sec θ - tan θ और प्लस sec θ + tan θ है, यानी एक बार ये जो माइनस में है और एक बार ये प्लस में है। तो हमको एक फॉर्मूला याद है कि अगर हम a² - b² कहें तो यह होता है a + b (a - b) होता है, यानी एक बार प्लस में और एक बार यह जो होता है माइनस में होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि sec θ - tan θ है और sec θ + tan θ है, एक पर यहां प्लस में है और एक यहां बार जो है यहां पर माइनस में है। तो क्यों ना इसको हम a² - b² रख लें। यह हो जाएगा sec²θ - और ये हो जाएगा tan²θ, क्योंकि a + b (a - b) बराबर होता है a² - b² आप इसको हम कर लेते हैं इसको।
ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये बट्टा में हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। 1 में किसी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका RHS आ गया, यानी RHS आपका आ गया, यानी यह हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो देखा मैंने कितने बेहतरीन ढंग से आपको यह जो है प्रूफ करके दिखला दिया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है या नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका दिया गया है, तो तब तक इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं तो आप नोट्स कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या 9 देखते हैं, तो क्वेश्चन संख्या 9 क्या है, यानी दिया गया है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस में दिया गया है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, बराबर में है आपका 2 कॉस थीटा। यह जो है आपका क्वेश्चन है और इसको प्रूफ करना है। तो यहां पर ये वाला पार्ट को देखते हैं कि इसको यानी किसी साइड को आप लेकर आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं LHS से सिद्ध करते हैं, यानी L H और S लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा है। इसको सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं, तो यह आपका LCM हो जाएगा साइन थीटा और ये इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर LCM अगर नहीं निकलता है तो हम उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगली वाली संख्या से। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो LCM जो आया हुआ है यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जो है जो आया हुआ है यानी इस वाली टर्म से यानी साइन थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा जो हो जाएगा ये कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका दो बार आ जाएगा यानी 1 प्लस कॉस थीटा। इसको होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यह जो है आपका दो बार हो जाता है, इसलिए आपको इस यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम कहें कि 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4, चाहे मैं इसको 2 का स्क्वायर भी अगर करूँगा तो 4 भी आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा दो बार होगा, बीच में है जो प्लस टू प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में ये जो है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे तो बच जाएंगे साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा ये साइन थीटा, ये हो जाएगा यानी आपका साइन थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका ये उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलते हैं इसको पुट करते हैं, इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस टू फॉर्मूला का, और ए का वैल्यू वन है और बी का वैल्यू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बट्टा, तो बट्टा लगा देंगे। अब इसको बीच में है प्लस, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्यों, जब नीचे का आधार समान होता है तो पावर जुड़ता है, यानी आपका यह जो है साइन थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो इसमें पावर वन छिपा हुआ है, इंटू में यह हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर भी पावर वन है, जब नीचे का आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो वन वन टू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद नीचे टर्म्स को उतार देते हैं, यह हो जाएगा साइन थीटा और इंटू वन प्लस यह हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसको हम मिटका देते हैं। अब आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा वन का स्क्वायर वन होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू हो जाएगा, और कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे टू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस तो प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नीचे में जो संख्या जो है नीचे में दिया गया आपका ये साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा को लिख देते हैं दोस्तों। अब यह हो जाएगा आपका, इसको हम घेर देते हैं, अब यह हो जाएगा वन, तो वन हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका वन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस में टू कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में जो है वो संख्या बटा में जो दिया गया उसको उतार देते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में वन प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपके बाद और उसके बाद आपका ये हो जाएगा वन वन की ये हो जाएगा टू हो जाएगा, और प्लस में टू कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में जो है उसको उतार देते हैं, यानी साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा दिया गया है। अब उसके बाद इसमें से दो कॉमा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो ये हो जाएगा दो कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका वन बच जाएगा और यहाँ पर ये कॉस थीटा बच जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा बट्टा में आपका साइन थीटा और इंटू में आ जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका यह टू बटा साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों, क्यों टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू ही होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन बटा साइन थीटा बराबर होता है यानी कॉस थीटा होता है, टू कॉस थीटा हो गया, यानी आपका आरएचएस आ गया, यानी ये आपका ये प्रूफ हो गया। तो देखा मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत आसानी से आपको मैंने समझा दिया, तो चलते हैं इसको जल्दी से नोट्स कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो है क्वेश्चन हर साल यानी हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से यह क्वेश्चन जो रहता है आपका 25 या 30 नंबर के आसपास पे रहता है, यह जो है आपको हर एग्जाम में यानी इस हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो संख्या 10
ये आपका दिया गया है कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस वन, और यहां पर भी है cos थीटा प्लस वन दिया गया है। तो चलते हैं इसको भी सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि यह जो है कैसे यह सिद्ध होगा। तो हम जानते हैं कि यह cos थीटा कब आएगा, जब यह जो है लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा का आपका लेफ्ट हैंड में sin थीटा का जिक्र अगर किया होगा तब। तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले sin थीटा का फॉर्म में। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि दोस्तों cos थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो देखते हैं इसको हम तोड़ लेते हैं, यह जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा हो जाएगा माइनस, तो माइनस, और यहां पर हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, ये बड़े वाला बट्टा हो जाएगा, इसको भी हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा बटा ये हो जाएगा sin थीटा, और ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। दोस्तों अब उसके बाद यहां पर भी वन लगा देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने में कोई झंझट न होगा। अब उसके बाद हम करते हैं sin थीटा और 1 का एलसीएम, 1 आपका sin थीटा हो जाएगा, और यहां पर भी sin थीटा, 1 का एलसीएम sin थीटा भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बटा में sin थीटा 1 का एलसीएम sin थीटा में sin थीटा से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका cos थीटा ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 में sin थीटा से डिवाइड करेंगे sin थीटा होगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इनटू में sin थीटा हो जाएगा, ये बड़े वाला बट्टा हो जाएगा। sin थीटा और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा आपका sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस, तो प्लस 1 में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सॉरी 1 में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा cos थीटा इनटू हो जाएगा आपका sin थीटा हो गया। आप उसके बाद देखते हैं यह हो जाएगा आपका, इसमें से दोनों में से आप cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, या यहां पर से cos थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो दोस्तों आपका बच जाएगा 1, ये हो जाएगा बटा में है तो sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा, खाली यहां पर हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने कॉमन ले लिया था। और यहां पर अगर हम ये जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब इसको हम ऐसा ही कर देते हैं, बड़े बटन हो जाएगा, इसको भी हम वैसा ही करते हैं, इसमें से भी cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सॉरी यहां 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा, 1 प्लस sin थीटा बटा में हो जाएगा sin थीटा ही हो जाएगा, ये cos थीटा से cos थीटा काट देते हैं। अब इसको हम प्लॉट देते हैं, ये इसको चाहे इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये 1 बटा sin थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों में तो आपका sin थीटा ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों में sin थीटा है। अब इसको भी हम कर देते हैं ऐसा, इसको क्योंकि दोनों में sin थीटा है, 1 बटा में हो जाएगा ये sin थीटा
माइनस अलग अलग कर देते हैं, ये साइन थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बड़े वाला बटा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा वन बटा साइन थीटा प्लस तो प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा और साइन थीटा अलग कर जाएंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा वन बटा कोसेक थीटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों वन बटा साइन थीटा वाला होता है कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, वन बचेगा यहाँ पर तो वन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वन बटा साइन थीटा यानी हो जाएगा आपका कॉस थीटा बीच में प्लस तो प्लस, और साइन थीटा में साइन थीटा भाग देंगे तो देंगे तो आपका भाग पर वन होगा यानी ये हो जाएगा वन। तो ये आपका आर एच एस आ गया, ये आपका प्रूफ हमने कर दिया। तो देखा मैंने कितने बेहतरीन ढंग से यह जो है सिद्ध कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।